Hello and welcome back to Tasty Cody and how to create RESTful API with Node.js lesson 6. और लेसन 6 में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू पोस्ट डेटा इन योर डेटाबेस, हाउ टू इंसर्ट डेटा इन योर डेटाबेस थ्रू द पोस्ट मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है जैसा कि मैं ओपन कर रखा हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट को सर्व करा लेते हैं, नोडमोन स्पेस सर्वर डॉट जे एस। नाउ कुछ सेकंड वेट करना है आपको, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया, ठीक है, तो ये मैसेज देने लगा। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या सीखा है, ओके आई थिंक कुछ इशू आ रहा है, लेट मी चेक। ओके 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 तो ये हमारे जैम सर्वर का, सबसे पहले मैं जैम सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। जैम सर्वर ओपन करने के बाद आपको अपाचे सर्वर एंड MySQL सर्वर को आपको स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद इसको मिनिमाइज कर लेते हैं एंड अगेन यहाँ पे हम कंट्रोल सी करते हैं और अगेन सर्वर को रन कराते हैं, एक बार चेक करते हैं। आप देखो सर्वर इज रनिंग प्रॉपर, इट्स वर्किंग। अब कोई रन नहीं है क्योंकि हमारे डेटाबेस रनिंग में नहीं था, यहाँ पे हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया इसीलिए API क्रैश दिखा रहा था। तो अब क्या करना है, अभी तक हमने क्या किया, रिट्राइव ऑल डेटा फ्रॉम डेटाबेस, रिट्राइव डेटा बाई ID। अब हम करने वाले हैं इंसर्ट न्यू यूजर बाई पोस्ट मेथड। और हम यहाँ पे आते हैं, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐप डॉट पोस्ट यूज़ करेंगे इस बार क्योंकि हमें पोस्ट के थ्रू डेटा क्रिएट करना है। यहाँ पे राउट डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम देंगे एड यूजर कॉमा। अब यहाँ पे अगेन उसी तरीके से फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन में रिक्वेस्ट करेंगे एंड रिस्पॉन्स आर्गुमेंट पास करेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे कॉमा होगा। अब सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं क्योंकि डेटाबेस ओपन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमने किस किस नाम से फील्ड रखी है, टेबल में फील्ड्स रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट नहीं करेंगे 127.0.0.1 एंड इंटर हिट करेंगे तो ये हमारा जैम सर्वर ओपन हो जाएगा। जैम सर्वर में phpMyAdmin पे क्लिक करते हैं। phpMyAdmin पे क्लिक करने के बाद ये हमारे डेटाबेस का डैशबोर्ड ओपन करके देगा। सो ये ओपन कर रहा है और तब तक हम इस पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें कॉन्स्ट नेम लेते हैं इज इक्वल, हम यहाँ पे जो डेटा रिक्वेस्ट करेंगे वो बॉडी के थ्रू करेंगे, डॉट बॉडी डॉट नेम अगेन यहाँ कॉन्स्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारी फील्ड्स कौन कौन सी हैं, हमारा डेटाबेस ओपन हो गया, हम RESTful API पे वर्क कर रहे हैं। अब CRUD के अंदर देख लेते हैं कौन कौन सी फील्ड्स हैं हमारी, नेम है, फोन नंबर है, तो यहाँ पे हम देंगे नेम और यहाँ पे फोन इज इक्वल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फोन। अब हम यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा नेम और फोन नंबर अगर वो नहीं देता है तो उस केस में हमें मैसेज क्या कराना है। तो एक कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन, यहाँ पे जैसे हमने ऊपर किया है नॉट नेम एंड नेम एंड नॉट फोन, अगर फोन नंबर और नेम दोनों नहीं मैच करते, दोनों में कोई एक सा भी मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस पे हम 400 देंगे, 400 बैड रिक्वेस्ट के सिक्वेंस में यूज किया जाता है, डॉट सेंड कर देंगे और सेंड पे हम यहाँ कुछ मैसेज पास करा देते हैं लाइक एरर कोलन, यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे, यहाँ पे हमारा एरर ट्रू दिखाना चाहिए। और यहाँ पे मैसेज भी हम एक पास कराएंगे और मैसेज में देंगे सॉरी सिंगल कोट में प्लीज इंसर्ट वैलिड नेम वैलिड डिटेल ओके। नाउ अब हम यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं लाइन को, ये हो गया। अब यहाँ पे हम अगर इन केस ये नहीं देता तो हमें क्या करेगा, 400 रिक्वेस्ट उसको दिखाएगा और उस केस में ये बैड मैसेज जनरेट होगा। आफ्टर दैट इन केस अगर वो फिल आउट करता है तो उसके लिए हम क्वेरी लिखने वाले हैं और वो क्वेरी होगी dbcon.query। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी तक देखो हम डेटा गेट कर रहे थे, फेच कर रहे थे, वहां से डेटा सर्वर से ले रहे थे, तो उस केस में सिलेक्ट कर रहे थे, सिलेक्ट कहाँ से कहाँ तक डेटा चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, तो सिलेक्ट हुआ। लेकिन अगर जब हम इंसर्ट करते हैं तो उस केस में हमें क्वेरी कुछ ऐसी लिखनी पड़ती है, इंसर्ट इनटू क्रड में हमारा सारा है। अब वहाँ पे क्या करना है, हम पैरेंथेसिस के अंदर इसे बताएंगे कि कौन कौन सी वैल्यू, नेम कॉमा फोन, तो ये दो चीज चाहिए एंड उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू भी हम इसको यहाँ पूरा वैल्यू में भी पैरेंथेसिस के अंदर टर्नरी ऑपरेटर हम यूज करेंगे कॉमा टर्नरी। अब इसे कुछ नहीं पता, इसको इसका इस क्वेरी का सिंपल सा मतलब यही है कि ये नेम क्रड में नेम एंड फोन नंबर का वैल्यू यहाँ पे जो भी होगा, जो भी इंसर्ट करेगा वो यूजर को एरे के फॉर्म में देगा कॉमा फोन। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना हम लिखने के बाद देखो सेम वैसे ही लिखा जा रहा है। अब हम फिर से इसे कॉमा करेंगे और यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन में 3 टाइप का डेटा,
हम यूज करेंगे, पहला एरर होगा हमारा, दूसरा रिजल्ट एंड तीसरा फील्ड्स। ओके नाउ अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले इफ करेंगे, अगर एरर हो एरर तो यहाँ पे हमारा क्या करे, थ्रो करे एरर को, अदरवाइज ये रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड। डॉट सेंड करने के बाद यहाँ पे अब हम डायरेक्टली अपने डेटा को रिटर्न कराएंगे, एरर पे हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशन फॉल्स, कॉमा करेंगे और डेटा पे यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डेटा पे हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट डेटा लेंगे, ठीक है। और कंप्लीट डेटा लेने के सेंस में इनके मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट ही लेंगे, रिजल्ट्स। और उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे, मैसेज में प्रिंट कराना है अब डेटा, डेटा क्रिएट सक्सेसफुल, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पे हम टर्नरी ऑफ टर्मिनेटर लगाएंगे, और यहाँ पे भी हम टर्मिनेटर लगाएंगे, और उसके बाद सेव करेंगे। और इसे अब हम देखेंगे, पहले कोड टाइम पे एरर है कि नहीं, नहीं है अभी तक, ये देखो सर्वर इज रनिंग प्रॉपर, कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम इसको हम पोस्टमैन पे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और डायरेक्टली हम प्रेस करते हैं पोस्टमैन, एंटर करते हैं। थोड़ी देर जब तक ये पोस्टमैन ओपन हो रहा है तब तक ये वीडियो पॉज कर देता हूँ, क्योंकि पोस्टमैन ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके हमारा पोस्टमैन ओपन होने लगा है, और तब तक हम देख लेते हैं हमारे डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हैं टोटल। ये देखो फर्स्ट रिकॉर्ड पे आशीष है, सेकंड पे बीनू मिश्र, थर्ड पे अभिषेक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया इंसर्ट करने वाले हैं डेटा, और वो डेटा हम बॉडी के थ्रू इंसर्ट करेंगे, और कैसे करेंगे दिखाते हैं पोस्टमैन पे। सबसे पहले पोस्टमैन पे यहाँ पे हम वो जो राउट डाले हैं वो यहाँ पे डालेंगे, तो वो राउट कौन सा है, यहाँ पे हमने एड यूजर रखा है, तो इसको कॉपी करते हैं और अपने पोस्टमैन पे आके पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम मेथड भी चूज करेंगे, यहाँ पोस्ट मेथड होगा, और यहाँ हम बॉडी के थ्रू डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं। बॉडी के थ्रू में सबसे पहले हम देंगे नेम में VARUN और फोन पे देंगे। ओके नाउ हम इसे सेंड करते हैं, अगर कुछ एरर होगा तो यहाँ एरर देगा, नहीं सक्सेसफुल मैसेज आना चाहिए, परफेक्ट। यहाँ एरर फॉल्स है, इसका मतलब हमारा डेटा क्रिएट सक्सेसफुल। अब हम अपने डेटाबेस में भी देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ फील्ड्स दे रहा है डेटा में, ये फील्ड्स प्री डिफाइंड हैं, मतलब ये सिस्टम तरफ से आते हैं। यहाँ स्टेटस में भी देख सकते हो आप 200 ओके है, और हम अपने पोस्टमैन डेटाबेस पे आते हैं। अभी हमारा 3 डेटा है, और यहाँ पे एक बार हम रिफ्रेश मारते हैं इसको, रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं हमारा डेटा अपडेट होता है कि नहीं, तो देख लेते हैं। ये देखो फोर्थ नंबर डेटा ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया, 1, 2, 3 एंड 4 वरुण, एंड ये देखो फ़ोन पे ये ऐड हो गया, और ये देखो आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करता जा रहा है। तो इस तरीके से हम पोस्ट के थ्रू डेटा इंसर्ट करते हैं, इन केस चलो अगर हम मान लो नहीं डालते कोई फील्ड बॉडी पे तो क्या देता है, एक बार अगेन चेक कर लेते हैं, इसको भी हम एलिस करते हैं और यहाँ पे सेंड करते हैं, तो ये देखो प्लीज़ इंसर्ट वैलिड डेटा, तो ये प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है, जो हमने भी कोड लिखा और जो क्वेरी लिखी है वो प्रॉपरली हमारा वर्क कर रहा है। देखो इन केस गलत डाल दिया तो ये एरर इसको कंसोल पे ऐसा कुछ दिखा रहा है। ओके नाउ यहाँ पे कुछ दे रहा है थ्रो ARR, लेट मी चेक थ्रो एरर सही है। ओके ये पार्सर डॉट जीएस, ये कोई एरर नहीं है, तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, इसको हम लीव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसी के सिक्वेंस में हम डेटा को अपडेट भी करेंगे थ्रू द आईडी, आईडी को उठा के, तो उसके लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।